हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयस लाइफस्टाइल। एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कोई भी रिव्यू या कोई भी मेकअप वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोग के साथ आई हूँ थोड़ा सा बातें करने। लाइक इट्स बिन लॉन्ग सिंस आई एम ऑन यूट्यूब, आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम इन टू दिस फील्ड ओनली। लाइक मुझे ना ब्लॉगर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। सो मैंने क्लास 12th में ऐसे सोचा था कि मैं, चलो मैं, मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, मैं इतने प्रोडक्ट्स खरीदती रहती हूँ, सो वाई नॉट ट्राई ब्लॉगिंग। सो या एंड दिस थिंग माई बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी कि तुम ये सब कर सकती हो, वी नो इट, सो वी कैन स्टार्ट इट। सो हम लोग मिलकर एक वेबसाइट क्रिएट की है एंड दैट वॉज तब के दिन में इट वॉज स्टाइल विथ मी। ओके, दैट वॉज नॉट श्रेयस लाइफ स्टाइल, दैट वॉज स्टाइल विथ मी 8089। ओके, सो तब मैं इतना कुछ नहीं जानती थी एंड क्लास 12th में थी। सो बहुत ज़्यादा बोर्ड्स का प्रेशर भी था एंड लाइक एवरी डे स्कूल्स जाना पड़ता, स्कूल ट्यूशन्स ये सब कुछ मुझे करना पड़ता था। एंड सो आई वॉज लाइक कि आई हैड नो टाइम लिटरली फॉर ऑल दिस स्टफ। बट तब से मुझे मन करने लगा था कि नहीं, मैं यही सब करूँगी। लाइक आई वॉन्ट टू बी समवन। लाइक मैं यूट्यूब देखती थी, लाइक श्रेया जैन, मालविका सतलानी, दे आर ऑल माई फेवरेट यूट्यूबर्स। सो श्रेया जैन तो आई स्टिल फॉलो हर लाइक ईच एंड एवरी डे। वॉट एवर एडिटिंग मैं उनसे अभी भी सीखती हूँ। लाइक वॉट एवर शी डज नो आई कीप ऑन फॉलोइंग हर स्टेप्स एंड आई शी इज़ एन लिटरली शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी। एंड आफ्टर दैट मैं डिसाइड की नहीं, आई विल डू दिस ओनली, बट आई हैव टू समवेयर स्टॉप इन क्लास 12th। तो मैं स्टॉप कर दी थी ये सब कम्प्लीटली। तो ये सब के बाद में मैं एक इंस्टाग्राम पेज खोली थी स्टाइल विथ मी बोल के, जो अभी मेरा श्रेयस लाइफ स्टाइल जो ऑफिशियल हो गया है अभी। नाउ पीपल नो मी इन द नेम ऑफ श्रेयस लाइफ स्टाइल ओनली। तो उसी से मैं क्रिएट करने लगी। तो मेरा जब बोर्ड्स ख़त्म हो चुका, बोर्ड्स के एक साल, मेरा 12th ख़त्म हो चुका, 12th के एक साल बाद मुझे फिर से ये सब करने का ना चस्का आया कि नहीं, आई विल डू इट अगेन। तो क्या हुआ था, मैं 12th के, आई एम कमिंग बैक, तो 12th के बाद आई स्टॉप डूइंग ऑल दिस। एंड आफ्टर दैट मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी कॉलेज का एडमिशन लेके, कॉलेज का लाइक एवरीथिंग, लाइक द प्लेस वेर आई स्टे एंड जहाँ मेरा कॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। लाइक आई हैव टू ट्रैवल एंड देन आई हैव टू गो, लग जाता था लाइक जाने आने में ही मेरे 4 घंटे बीत जाते, लाइक जाने में 2 घंटा, आने में 2 घंटा, मेरे पास और टाइम नहीं बचता था। नाउ द थिंग व्हेन कोविड हैपेंड, फाइनली 2020 हैपेंड एंड मैं घर पे बैठी हुई थी, वेले बैठी हुई थी मैं घर पे। आई यूज टू डू नथिंग एट होम, ओके, एंड रादर देन यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी ये सब छोड़ के मैं कुछ भी नहीं करती थी। सो मैं ना बोर हो जाती थी। सो मैंने 31 दिसंबर 2019 को मैं एक प्राडा का वो ली थी, प्राडा का परफ्यूम सेट मैंने परचेज किया। सो वो परचेज की मैं, तो तब से ना मैं सोचने लगी कि जब मैं ये सब परचेज करी हूँ तो मैं अपने इंस्टाग्राम में क्यों नहीं देती हूँ। सो आई स्टार्टेड ऑन गिविंग सिंस देन। तो मैं तब से फिर से मैं स्टार्ट करने लगी। तो फिर उसके बाद मैं 3-4 महीने बाद मार्च 22nd से या 21st से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद से ना मैं जून जुलाई से मैं फिर से स्टार्ट करने लगी मेरा ब्लॉगिंग का ये करियर को। तो ब्लॉगिंग इन द सेंस मैं जस्ट रिव्यूज़ लिखती थी, मैं कुछ भी खरीदती थी, मैं ये सबको जस्ट ब्रांड्स को टैग करती थी, देन रिव्यू लिखती थी एंड जो भी अपना मन का होता था मैं ये सब करती थी। एंड आई यूज़ मुझे ना ये सब करके लाइक हैप्पीनेस मिलता था। लाइक तब मैं घर पे बैठी रहती थी, आई यूज़ टू मीट विथ माई फ्रेंड्स हार्डली एंड लॉकडाउन में हम लोग क्या ही मिलते सबको। तो घर पे बैठी थी तो यही सब करती थी एंड सडनली मैं सीखने लगी चीज़ों को। लाइक मैं फॉलो करती थी तो मैं सीखने लगी चीज़ों को। जस्ट लाइक मी ड्रिंक सम वाटर, लाइक दिस इज गोइंग टू बी समथिंग अनकट, ओके। तो आफ्टर दैट मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर लिया। मेरा यूट्यूब का मैंने फर्स्ट वीडियो था वो मेरा एक कोलैबोरेशन का वीडियो था, मैं फर्स्ट टाइम कोलैबोरेट की थी। दैट वाज समथिंग द पेज कॉल्ड गोमामा, तो मैं गोमामा के साथ एक कोलैबोरेशन की थी, वहाँ पे जस्ट एक रिव्यू बताना था। तो तब के दिन में ना इट वाज लाइक आई वाज एन अमैच्योर इन इट। सो मैंने बस एक रिव्यू कर दिया था एंड आई वाज फीलिंग सो स्टूपिड आफ्टर डूइंग दैट, बट एनीवे आई अप्रिशिएटेड माय सेल्फ एंड आई लाइक पैटेड माय बैक, ओके।
दैट ओके यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक मुझे मन होता था कि मेरे मेरे अकाउंट मेरे इंस्टा अकाउंट में भी ना वहाँ पर जो सर्कल सर्कल जो स्टोरीज के रहते परमानेंट स्टोरीज के रहते वहाँ पर भी ब्रांड्स के नाम होंगे. तो चलो कोलैब की मैं एक नॉर्मल दैट वॉज नॉट एट ऑल अ पेड कोलैबोरेशन बट आई वॉज ऑलवेज इन टू लर्निंग वर्क मोर देन गेटिंग मनी. तो मैं काम आस्ते आस्ते सीखने लगी. मैं सबको देख देख के मैं ब्लॉगर्स को देख देख के ना मैं ऐसे फोटोज खींचती थी. मैं रिव्यू करने लगी थी लाइक जेन्युइन रिव्यूज जिसको बोलते वो मैं करती थी इंस्टाग्राम में. एंड आफ्टर दैट मेरे 1K फॉलोअर्स हो गए इंस्टा में. एंड देन सडनली मैं कोलेबोरेशन करने लगी. लाइक उसके बाद से ना मैं मुझे पता चलने लगा कि कहाँ कहाँ से कोलैबोरेशन हो सकते हैं कैसे कोलैबोरेशन हो सकते हैं. कोलैबोरेशन ना जनरली आपको 1K फॉलोअर्स होने के बाद से आपको इंस्टाग्राम में मिल जाते हैं लाइक एकदम नैनो इन्फ्लुएंसर्स लोग को. सो आई वॉज अ नैनो इन्फ्लुएंसर. आई एम नाउ आई एम अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर बट तब मैं एक नैनो इन्फ्लुएंसर थी. आफ्टर दैट मुझे काफ़ी सारे एजेंसीज से कोलैबोरेशन मिलते थे. सब बार्टर डील्स थे लाइक कोई भी पेमेंट इंक्लूडेड नहीं थे कुछ भी. दे विल जस्ट सेंड यू द प्रोडक्ट एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो द डिलीवरेबल्स. डिलीवरेबल्स जस्ट अ सेकेंड गाड़ी जा रहा है तो आवाज़ हो रहा है. तो डिलीवरेबल्स जो जो थे ना दैट वॉज लाइक आपको स्टोरी देना पड़ेगा इंस्टाग्राम में आपको पोस्ट खींचना पड़ेगा वो प्रोडक्ट के साथ चीज़ का था. तो मैं वो सब चीज़ बस नॉर्मली करती थी. तो मैं करते 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 ना आई यूज टू लाइक फील कि मुझे काम क्यों नहीं मिलते. लाइक मैं जब इतना कुछ करती मैं ये सब करती थी ना देर वर मैनी पीपल नो दोज हु यूज टू लाइक आप कभी कहीं पे लाइक क्लाइंब करोगे ना देर विल बी पीपल टू ड्रैग यू डाउन फ्रॉम देयर. होता था लाइक पीपल यूज टू लाइक मॉक एट मी कि हाँ ये तो वीडियोज बनाती है क्या कमा लेती हूँ कितना कमा लेती हूँ नोइंग दैट आई डोंट अर्न एनी थिंग. लाइक यू नो ब्रांड से इतना कम टाइम में ब्रांड से प्रोडक्ट्स रिसीव होना नॉट अ जोक. ब्रांड्स डील्स मिलने लगे एंड आफ्टर दैट देयर वेर द फर्स्ट ब्रांड दैट कनेक्टेड मी लाइक नॉट थ्रू एनी एजेंसी. द ब्रांड दैट कनेक्टेड मी लाइक डायरेक्ट दैट वॉज बेलाविटा ऑर्गेनिक. ओके सो बेलाविटा ऑर्गेनिक ने मुझे DM किया था ये करीबन ये सब चीज़ के बहुत बाद में. दिस ईयर दे कनेक्टेड मी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में मुझे फर्स्ट डायरेक्ट ब्रांड कोलैबोरेशन मिले. नाउ गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि एजेंसी क्या होता है. ब्रांड्स जो होते हैं ना वो सबको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते हैं. सो ब्रांड्स के पास ऐसे डील्स रहते हैं कैंपेन्स के डील्स रहते हैं जो वो एजेंसीज को बता देते हैं. एंड एजेंसीज के पास काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर की टीम्स रहते हैं जैसे मैं हो गई जैसे मैं हूँ आप में से बहुत कोई होंगे जैसे ABC. सो ये ABC का क्राइटेरियाज वो लोग देखेंगे ये 1000 से कितने थाउजेंड के अंदर इन लोग का फॉलोअर्स है तो उसे उन्हें उस हिसाब से एक कैंपेन मिल जाएंगे. यही होता है क्योंकि ब्रांड हर वक्त लाइक अगर 10,000 लोग है ना ब्रांड 10,000 लोग को DM करके नहीं पूछ सकते. सो दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देयर कैंपेन लिस्ट टू मेनी एजेंसीज जहाँ से वो लोग खोज लेते हैं. ब्रांड्स कैन सी दैट हाँ इसने ये प्रोडक्ट दैट हाँ इसने इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है उस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है. तो ये देख के क्या होता है ना कि ओके चलो ये इंसान इसके साथ की है इसका इसका मतलब ही और शी हैज सम पोटेंशियल दैट्स वाई इतना अच्छा ब्रांड इसको सिलेक्ट किया. इसीलिए बार्टर कोलैबोरेशन अभी भी करती हूँ. लाइक बार्टर कोलैबोरेशन आर द की टू सक्सेस. मनी इज डेफिनेटली एवरीथिंग बट द इमेज यू क्रिएट दैट इज द मेन थिंग इन लाइफ. आई स्टार्टेड लर्निंग एंड ऑल दीज थिंग्स यूज टू हैपन एंड तब भी मुझे ना लाइक कम्प्लीटली इसी करियर में जाना है एंड ऑल दैट ये मेरा मोटो नहीं था. बट देन आई गॉट कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट द मंथ ऑफ मे में मुझे दो अच्छे ब्रांड से कोलैबोरेशन के रिक्वेस्ट आए. दैट वॉज डेफिनेटली पेड बुलबुल शॉपिंग ऐप से मुझे ये मिला कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट. दे यूज टू पे मी रियली वेल मन का बात एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू बिकॉज आप लास्ट तक देखिए वाई आई विल टेल यू ऑल. आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज लाइक 15 to 20 videos एक कोलैबोरेशन का 15 to 20 videos एक कोलैबोरेशन का. एंड आफ्टर दैट मैं ये सब करने लगी. मेरा अफिलिएशन हो गया अमेजन अफिलिएशन हो गया था बुलबुल का अफिलिएशन हो गया ना. आफ्टर दैट मुझे ट्रेल कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट है कोलैबोरेशन के लिए कि आप मेरे प्लेटफॉर्म में वीडियो बनाइए एंड इट विल बी डेफिनेटली पेड बिकॉज and you will get the revenue because definitely वहाँ पे ads लगते हैं. So if you don't know Trail क्या है, Trail is an e-commerce platform जहाँ पे आप video short videos भी बना सकते हैं reviews के makeups के and also वहाँ से आप shopping भी कर सकते हैं. This happened and I'm always forever grateful to all of you. Like even if I have
100 people, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. बट दैट सो गाइज, मैं कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं की हूँ आप लोग के साथ. सो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ. आई एम सो मैं फ्रेशली यूट्यूब को फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ. यू पीपल नो दैट मैं यूट्यूब में वीडियोज 1 साल से हूँ. या 1 साल से मैं यूट्यूब में वीडियोज बनाती हूँ. एंड टिल देन आई हैव क्रिएटेड ओनली 58 वीडियोज इन 12 मंथ्स. सो जो एक यूट्यूबर है, जो एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, ही और शी नोज कि इतना 1 साल में 58 वीडियोज इज नॉट एट ऑल गुड. ये अच्छा बात नहीं है. सो मैं फ्रेशली यूट्यूब को स्टार्ट करना चाहती हूँ बिकॉज आई चूज दिस करियर. एंड नो मैटर इफ आई हैव टू वर्क अमेच्योर, इफ आई हैव टू वर्क बीइंग अनपेड, इफ आई हैव टू वर्क इन बार्टर, बट आई चूज दिस करियर डेफिनेटली बिकॉज दिस इज माई ड्रीम. एंड लाइक आई फील हैप्पी इन दिस, लाइक आई कैन बी ऑल ऑफ माई सेल्फ इन दिस करियर. देन एंड जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ BBA. एंड मुझे अभी इंटर्नशिप्स आ रहे हैं, मेरे अभी प्लेसमेंट्स भी होगा. बट आई डोंट नो वट आई एम गोइंग टू डू. आई डू नॉट लीव दिस करियर एंड दैट आई डोंट नो मैं चूज करूँगी कि या नहीं. इट्स कम्प्लीटली लाइक फैमिली को भी मनाना एक बहुत बड़ा बात होता है. सो मे बी आई डू इट और आई नॉट डू इट. आई अपडेट यू सुपर सून वंस थिंग्स गेट सॉर्टेड. बट टिल देन आई एम इन टू इट. आई एम इन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म. आप एक क्रिकेटर हो एंड आप ना मन से क्रिकेट खेलते हो एंड आपको क्रिकेट खेलना ही पसंद है. But your mom that forces you to be a singer, how would you feel? Like, definitely, if you are cricketer, how would you sing? Like, you would sing with a bat? No, right? Like, we all are bathroom singers, but we cannot be the singer, official singer. So that is what things happened with me. And itna din se mera like last year breakdown hua, and I got infected. एंड देन मेरा जो मेरा हेल्थ कंडीशन था वो भी मेरा ठीक नहीं था. मेरा वीकनेस बहुत दिन था जिसके कारण से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती थी. एंड अभी जो है मैं इतना वीडियोज़ मुझे बनाना रहता है बोल के मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाती हूँ. लाइक सी गाइज, जिस प्लेटफॉर्म से आपको इन रिवर्ड कुछ मिलता है, डेफिनेटली यू आर लाइक समवन नाउ. Like if you become someone now, definitely आपका first priority वही platform हो जाता है. This is the last year of my college and I think I should take my career now seriously. So video काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है and I hope आपको अब मुझे मैं एक fresh YouTube journey start करने जा रही हूँ. It's been 1 year. जो भी मेरा views था, जो भी मेरा सब कुछ था ना, watch hour तो सब गया. And okay, let's start it afresh. And yeah. So, YouTube videos अब आएंगे and please stay tuned to my channel. Please गुस्सा मत कीजिएगा. आप में से बहुत कोई हो जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, सब अननोन्स मेरे कमेंट बॉक्स में. 2-3 जिनका मैं नाम ले लेती हूँ, ठीक है? Like literally, those who touched my heart. So, one would be Muskan Sami. I don't know you dear, but yeah. Second would be Afrin Ismat. Third would be Akansha Swami. And also guys, आप में से बहुत कोई जो मेरा सब्सक्राइबर काउंट जानना चाहते हो, आई विल शो वंस आई रीच माई गोल. मेरा एक ही मैसेज सबको है कि आप जो बनना चाहते हो आप वो बनो. किसी के प्रेशर में या किसी के अंडर आके प्लीज कुछ मत करो. वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ प्लीज डू दैट. एंड डेफिनेटली नो मैटर वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं वीडियोज बनाती हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि डजंट नीड एफर्ट्स. लाइक ब्रो, 21 मिनट्स का अभी वीडियो शूट हुआ है. आई हैव टू सिट फॉर अराउंड हाफ एन आवर जस्ट टू ट्रांसफर दिस वीडियो एंड अगेन अनदर एन आवर टू एडिट दिस वीडियो. एंड दिस इज नॉट वन वीडियो, आई क्रिएट फॉर अराउंड 50 वीडियो. आज है October 9th एंड अगेन October 9th 2022 में मैं ये वीडियो अगेन बनाऊंगी जस्ट टू सी हाउ मच आई अपग्रेडेड माई सेल्फ. So wish me luck and wish you all a very good luck so that आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, आई थिंक आपके लिए ये वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा. या
किसी को ये स्टोरी अच्छा लगेगा, किसी को जस्ट लिव इट या गुड लक। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, आप स्टडीज में हो या आप कुछ भी कर रहे हो, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा विश आप सबके साथ है, प्लीज अच्छा कीजिए, अच्छा रखिए सबको। तो आज के लिए बस इतना तक ही मैं रखती हूँ, मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ। मेरा फ्रेश यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करती हूँ, तब तक के लिए टाटा।